हाँ जी, अब देखिए पढ़ते हैं आपकी 3.4 के बारे में। अपन ने कल पढ़ा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल का मतलब मुख्य हल होता है और जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है व्यापक। देखिए जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है मतलब व्यापक है, उसका वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होती है, और जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो एन की टर्म्स में होता है, मतलब एन के पदों में होता है, ठीक है। अब देखिए मैं सबसे पहले एक और एग्जांपल बताता हूँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, मुख्य हल कैसे आता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल टेन एक्स की वैल्यू रूट थ्री आ गई, आपको लॉटरी करना समझ में आया। अब टेन की वैल्यू पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, टेन की वैल्यू पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी अपन किस तरीके से जाएंगे, tan x इक्वल टू रूट थ्री मैंने लिख दिया, और tan x इक्वल टू रूट थ्री मैंने बहुत दो बार अलग-अलग दो बार लिख दिया मैंने। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो tan x इक्वल टू रूट थ्री कौन सी वैल्यू पे होता है, 60 डिग्री भी होता है, रूट एक्स का क्या होता है 60 डिग्री पे होता है, मतलब फाइव बाई थ्री होगा, इस पे होगा फाइव बाई थ्री होगा। सो टेन एक्स की वैल्यू रूट थ्री है, मतलब रूट थ्री किस पे होगा, टेन फाइव बाई थ्री होगा, फाइव बाई थ्री का मतलब 60 होता है, टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री, टेन से टेन कट गया एक्स की वैल्यू फाइव बाई थ्री आ गई। अब आपको पता है टेन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कैसे ब्रेक करेंगे इसको tan x, आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में दो तरीके आएंगे, या तो आप पाई प्लस कर देंगे, पाई का मतलब क्या होता है 180 प्लस कर देंगे, या फिर आप 270 माइनस कर देंगे। देखिए दो तरीके हैं, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करेंगे, या तो आप कहेंगे 180 प्लस करेंगे या 270 माइनस। फिर भी मैं कौन सा करता हूँ, 180 प्लस करता हूँ। 180 प्लस क्यों करता हूँ, 180 प्लस इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको पता है 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, 270 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज हो जाएगा, इसलिए आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे। अगर मान लीजिए मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, किसमें जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं कैसे जाऊंगा, या तो जाऊंगा मैं 270 प्लस, या मैं जाऊंगा 360 माइनस। देखिए ध्यान रखिए, या तो जाऊंगा मैं 360, देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो मैं 270 प्लस करूंगा या फिर आपका 360 माइनस होगा। बात को समझ रहे हो आप, 270 प्लस है तो 270 होने पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएगा, 270 होने पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन 360 होने पर चेंज नहीं होगा, इसलिए अपन ये वाला फॉलो नहीं करेंगे, ये वाला फॉलो नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता। अब देखिए यहां पे अपन क्या करेंगे, आपको पता है कि अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात को कर ली, अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, इसलिए मैं यहां पे जाऊंगा और यहां पे जाऊंगा। अब आपको पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट में अपन किस तरीके से जाएंगे, 180 प्लस करते हुए जाएंगे, 270 माइनस करते हुए नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे 180 का मतलब कितना होता है, पाई। क्या बात समझ में आ गई, एक बार ये सुन लो, कमेंट करो इतना समझ में आया कि नहीं आया। ओके सब लोग कमेंट किया करो। अब देखिए आपको पता है ये जो पहले वाली थी पाई बाय थ्री, वही यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस का पाई बाय थ्री, चेक करते हो किस तरीके से आया है, आपको पता चल गया पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्री, देखिए जो ये वैल्यू आती है ना वही वैल्यू यहाँ आती है, पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन
फंक्शन चेंज नहीं होता है, tan की जगह पाई बाय 3 है, tan ये कितना हो गया आपका 60 हो गया, इसकी वैल्यू 3 आ गई है। पहले का मतलब क्या हुआ है, जो आपने ये लिखा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, क्यों आ रहा है सही, क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है रूट 3, तो ये भी कितना हो गया रूट 3। आप देखो यहाँ पे अब आपको पता चल गया tan x इक्वल टू tan, मैंने 3 x से ले लिया तो 3 पाई माइनस का पाई, यहाँ से क्या हो जाएगा tan 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 3, वो क्या चल रहा है tan x, tan से tan कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई अपॉन 3, तो एक वैल्यू तो आई है पाई बाय 3, एक आई है 2 पाई बाय 3। अब एक क्वेश्चन मान लो ऐसे आ गया cos x इक्वल टू आपके पास 1/2 √3/2 आ गया। अब आपको पता है cos या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको एक बार वापस से लिखेंगे √3/2 और यहाँ पे cos x इक्वल टू √3/2। आपको ये भी पता है कि cos की कौन सी वैल्यू पे रूट 3 होता है, 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई बाय 6, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है पाई बाय 6 cos x, cos से cos कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 6। आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या होगा 2 पाई माइनस करना पड़ेगा, 2 पाई का मतलब कितना होता है 360, 2 पाई का मतलब कितना होता है 360। अब आपको पता चल गया कि इस वैल्यू को यहां लिख देंगे पाई बाय 6, एक बार रखने के बाद चेक तो करेगा सही लिखा है क्या, 2 पाई और लिखकर देखोगे कि फंक्शन नो चेंज, कौन से क्वाड्रेंट में फोर्थ में, फोर्थ में cos क्या पॉजिटिव, थीटा की जगह क्या आपके पास क्या आ गया है 6 ऐसे ले लिया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई तो 12 पाई माइनस का पाई cos 11 पाई अपॉन 6 और ये cos x, x की वैल्यू क्या आ गई 11 पाई अपॉन 6। तो हमेशा अपन मुख्य मान दो ज्ञात करते हैं, दो कैलकुलेट करते हैं, हमेशा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आता है वो हमेशा दो ही होते हैं। एक बार आप लोग यस और नो में कमेंट करेंगे बात समझ में आएगी नहीं आएगी। हाँ, तो आप कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, उनपे बात करते हैं फॉर्मूलों पे। देखो अपन बात करते हैं फॉर्मूले पे, जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। व्यापक है, देखिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करेंगे। पहला है इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो, अगर ऐसा होता है तो एक फॉर्मूला होता है एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू n pi plus minus 1 की पावर n y, जहां पे जो n होता है वो होता है belongs to natural number। देखिए फॉर्मूला होता है आपकी बुक में डेरिवेशन भी कर रखा है, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर sin x equal to if को यदि बोले
अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, एक्स की वैल्यू आती है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन वाई। एन इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या मतलब होता है बिलोंग्स टू, सम्मिलित करता है, सम्मिलित करता है, मतलब इसके अंदर एन के अंदर, एन होता है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, एन बिलोंग्स टू मतलब एन की वैल्यू इसके अंदर है, एन की वैल्यू इसके अंदर, इसके अंदर है। वो आगे पढ़ूंगा आपको जब फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पढ़ूंगा क्या मतलब होता है सबका। देखिए नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, क्या होती है एन का जो सेट होता है, एन का जो सेट होता है क्या होता है 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक जाएगा। एन की वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट होती है इनफाइनाइट तक जाती है, क्वांटम में ये होती है आपको सबको पता है। तो इस स्मॉल एन की वैल्यू या तो 1 हो या स्मॉल एन की वैल्यू 2 होगी या 3 होगी 4 होगी 5 होगी एन बिलोंग्स टू एन। दूसरा होता है अगर मान लो cos x cos y आ गया, इसमें होता है x इक्वल टू 2n(π) प्लस माइनस y, जहां पे n बिलोंग्स टू n। देखिए ये इस तरह से लिखते हैं सब दैट, एक पॉइंट तो ऐसे थोड़ा कोमा, एक तो पॉइंट आता है कोमा आता है सब दैट बिलोंग्स। नंबर तीसरा इफ tan x इक्वल टू tan y हो तब होता है आपका x इक्वल टू n pi प्लस tan y, और यहां पे भी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर, ठीक है नेचुरल नंबर में n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इनफिनिट तक जाएगी, तो यहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ये आपको तीनों फॉर्मूले याद करने हैं, अब मैं स्पेशल केस बताता हूं, स्पेशल केस क्या होता है वो देखिएगा। अब आपने sin x इक्वल टू sin y किया, आप मेरे को बताओ sin x इक्वल टू sin y है, क्या मैं अगर मान लो मैं इधर भी उल्टा कर दूं, इधर भी उल्टा कर दूं, क्या आएगा 1 upon sin x है 1 upon sin y है, सर आपने उल्टा कैसे कर दिया, इसको वापस लिखो, इसको यहाँ लिखो और इसको यहाँ लिखो, बात तो नहीं आ गई नहीं, अरे आए कि नहीं आए, अगर इसको उल्टा कर दिया तो बात तो हुई रहेगा, ये बात तो आ गई। पहले का मतलब ऐसे क्यों लिखा हूँ मैं, वो इसलिए लिख रहा हूँ कि वन अपॉन साइन एक्स होता है वो क्या होता है कोसेक एक्स होता है, और वन अपॉन साइन वाई क्या होता है कोसेक वाई, यानी कि जो साइन का होगा फॉर्मूला वो कोसेक का होगा, जो कोस का होगा वो सेक का होगा, जो टैन का होता है वही कोट का, साइन का है उल्टा क्यों होता है कोसेक होता है, जो साइन का होगा वो किसका होगा कोसेक का, जो टैन का होगा वो कोट का, और जो कोस का होगा वो सेक का। इन तीन फॉर्मूले की बात कर रहा हूं तो तीन के लिए काम करेगा। अब मैं एक स्पेशल केस बता रहा हूं आपको, मैं स्पेशल केस का मतलब क्या होता है वो देखिएगा, यहां पे स्पेशल केस इसमें पहला है एक यदि sin x की वैल्यू 0 आ गई, मान लो 0 आ गया, आपको 0 दिख गया कहीं पे, क्या दिख गया sin x की वैल्यू क्या दिख गई 0। अब sin की वैल्यू 0 कहां कहां होती है उसकी बात कर रही है, अब मेरे को बताओ sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो 0 होती है। sin 180 की बात करो, 180 का मतलब sin pi के ऊपर है, ठीक है, वो साइन पाई को कैसे लिख सकते हैं आप, पाई माइनस जीरो लिख सकते हो, आपका साइन क्या है पाई, साइन क्या है पाई, साइन पाई को आप क्या लिख सकते हो साइन पाई माइनस जीरो लिख सकते हो, पाई का मतलब बने कि बने कि इस जीरो के तो वापस पाई आ जाए। हम तेरे को ऐसे बताओ पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, थीटा की जगह 0 डिग्री आ गया, जीरो जो भी आ गया जीरो साइन जीरो वाला,
अब आप मेरे को ऐसे बताओ पाई में से कुछ कम कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो। कहने का मतलब आप क्या लेंगे चल रहे हैं, साइन हमेशा की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या है? जीरो। यानी कि जीरो पे जीरो हो रहा है, पाई पे भी वैल्यू साइन की क्या आ रही है? जीरो आ रही है। अब टू पाई की बात करें, साइन टू पाई की वैल्यू चाहिए आपको, साइन टू पाई माइनस क्या करेंगे जीरो में, टू पाई को टू पाई माइनस जीरो लिख सकता हूँ, वापस यही आ जाएगा। टू पाई में पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉन चेंज। कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में टू पाई में से कुछ कम कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। नेगेटिव में जीरो का कोई फर्क नहीं होता है, यानी कि जीरो पे x की वैल्यू जीरो रखूंगा तो भी साइन जीरो जीरो होगा, x की वैल्यू पाई रखूंगा तो साइन पाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी अपने पास, x की वैल्यू टू पाई रखूं तो साइन टू पाई भी जीरो होता है, थ्री पाई रखूं साइन थ्री पाई भी जीरो होगा, फोर पाई रखूं तो भी क्या होगा? जीरो होगा। कुछ भी रख दो, बात समझ में आ रहा है? जीरो वन टू थ्री कुछ भी रख दो है ना। तो यहाँ पे देखिए n belongs to natural number में है, integer आएगा z, ठीक है? z का मतलब होता है integer numbers, integer का मतलब point वाली, वो सॉरी माइनस में भी हो सकती है प्लस में भी। आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया, अपने यहाँ पे natural number नहीं आएगा, यहाँ पे integer numbers आएगा, यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू भी और पॉजिटिव वाली वैल्यू भी, लेकिन पॉइंट्स की वैल्यू नहीं होगी, माइनस इंफाइनाइट से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक, लेकिन पॉइंट्स वाली जो वैल्यू है वो नहीं होगी, पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं होगी। हाँ, तो जो आपकी पॉइंट्स वाली वैल्यू वो नहीं होगी, एन की वैल्यू माइनस वन भी हो सकती है, माइनस टू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, इंफाइनाइट तक भी जा सकती है, ठीक है? तो ध्यान दे दिया अपन ने, यहाँ पे देखो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, साइन फाइव की वैल्यू जीरो होगी, साइन टू पाई की वैल्यू जीरो, साइन थ्री पाई की वैल्यू जीरो, साइन फोर पाई की वैल्यू जीरो, साइन फाइव पाई की हमेशा वैल्यू का भी जीरो। जैसे मान लो आपने बोला सर थ्री पाई कैसे जीरो होगा, ये थ्री पाई लिखा दो यहाँ पे थ्री पाई लिखा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, मैंने आपको बताया था कि देखो पाई का मतलब कितना होता है? 180 होता है। पाई का मतलब कितना होता है? 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। आपको ये भी पता है यहाँ पे कुछ भी वैल्यू वन हो चाहे टू हो चाहे थ्री हो, वन हो टू हो चाहे थ्री हो, पाई के साथ जो भी आ रहा है, पाई के साथ जो भी आ रहा है ठीक है। तो पाई के साथ कुछ भी आ रहा है, तीन चार पांच, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। अब आप मेरे को ऐसे बताओ थ्री पाई कहाँ पे आया? मैंने आपको एक साइन बताया, ये जीरो डिग्री भी होता है, ये पाई आ गया, फिर ये वापस आएगा टू पाई में जाएगा, फिर ये आ जाएगा थ्री पाई में जाएगा, फिर ये आ जाएगा तो फोर पाई में जाएगा, फिर आ जाएगा तो फाइव पाई में जाएगा। कहने का मतलब क्या बताया था मैंने, पाई के साथ ओल्ड वैल्यू जाती है, ओल्ड का मतलब विषम संख्या, जैसे पाई आ गया, थ्री पाई आ गया, फाइव पाई आ गया, सेवन पाई, नाइन पाई, इलेवन पाई, इधर क्या होता है जीरो टू पाई फोर पाई सिक्स पाई थ्री पाई टेन पाई ट्वेल्व पाई, ऐसे होता है। जब आप इस इधर यानी कि आप इस लाइन पे हो, आपका थ्री पाई आया है, थ्री पाई का मतलब आप यहाँ पे हो, अब इसमें से आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, माइनस करने का मतलब आप इस लाइन से माइनस कहाँ जाओगे, प्लस करोगे तो आगे आओगे और माइनस करोगे तो कहाँ जाओगे, वापस बैक जाओगे। कौन सा क्वाड्रेंट होगा वो? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, साइन जीरो की वैल्यू जीरो।
That means sin 3 pi d होगा, sin 4 pi d, sin 5 pi d, sin 6 pi d, 7 pi, 8 pi, 9 pi, कुछ भी वैल्यू रख लो आप, हमेशा वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, x की वैल्यू जो आती है वो आती है n pi, और जो n होता है वो होता है belongs to z, natural number नहीं integer number। अब सर z तो negative भी होता है, जो z वाली value है सर वो तो negative में भी value आती है, किसमें value आती है, negative में भी value आती है, तो उसका क्या कहते हैं, देखो negative में जैसे मान लो z की value minus का बना है, इतनी आनी z की value, sorry n की value आपने क्या रखी, minus का बना है, चेक करने का आपने, तो n की वैल्यू माइनस कर लो तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस करेंगे तो पाई माइनस का पाई हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस पाई इसके अंदर रखो sin माइनस पाई, आपको पता है माइनस बाहर आया माइनस का sin पाई, अभी तो अपन ने sin पाई की वैल्यू चेक की थी, अरे अभी थोड़ी देर पहले sin पाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार सॉल्व होने पर ये पहले लिख दिया sin पाई की वैल्यू कितनी आएगी एक बार मेरे को बताएंगे कितनी वैल्यू आई थी, जीरो आई थी, ये जीरो हो गया तो पहले से यानी कि n इक्वल टू माइनस वन पे भी जीरो होगा, इस n लॉग्स टू जेड का मतलब n की वैल्यू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस टू माइनस जीरो भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर जीरो रख दिया आपने, जीरो को पाई से गुणा करो, x की वैल्यू जीरो आएगी, x पे यहाँ पे रखो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, बिल्कुल सही बात है, यानी कि हर वैल्यू के लिए, हर इंटीजर, हर पूर्णांक संख्या के लिए, इंटीजर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या है, उनके लिए हमेशा ये वैल्यू होगा, x की वैल्यू क्या है, n पाई। अब आ जाओ दूसरा स्पेशल केस होता है, इफ आपके पास cos x की वैल्यू 0 आ गई, अब आपको पता है cos 0 cos कब 0 होता है, cos 90 पे 0 होगा, कहां पे 0 होगा, एक तो 90 पे 0, 90 का मतलब होता है पाई बाय 2, एक होता है 3 पाई बाय 2 यानी कि 270 डिग्री पे, एक होगा 5 पाई बाय 2, एक होगा 7 पाई बाय 2, एक होगा 11 पाई बाय 2, लेकिन माइनस में भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है माइनस का पाई बाय 2 भी हो सकता है, माइनस का 3 पाई बाय 2 भी हो सकता है, 5 पाई बाय 2 भी हो सकता है, माइनस का 11 पाई बाय 2 भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव में वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव में वैल्यू हो सकती है। अब देखो कहने का मतलब ये चीजें हैं, तो अब पाई बाय 2 तो आपको पता है कि 90 डिग्री होती है, लेकिन 3 पाई बाय 2 पे चेक करेंगे, फिर आगे चेक नहीं करूंगा, 3 पाई बाय 2 का मतलब कितना होता है, 270 डिग्री, कितना होता है, इसे आपने लिया cos 3 पाई बाय 2, और आपको पता है ये 3 पाई बाय 2 का मतलब 270 डिग्री, 3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 का मतलब 270 डिग्री, 270 माइनस 0, 270 होने पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, cos किस में चेंज होगा, sin में चेंज होगा, अरे 3 पाई बाय 2 का मतलब 270 होता है, पाई की वैल्यू भले ही फिक्स करना, पाई की वैल्यू आप भले ही रखोगे, भले ही उसे 90 को 3 से 270 ही आता है, सबको पता है कि ये 270 आएगा सॉल्व करने के बाद, तो 270 होने पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, cos sin में चेंज होगा, थीटा की जगह 0 है, 270 में से कुछ कम कर रहे हैं, कौन से क्वार्टर में जाएगा, थर्ड क्वार्टर में जाएगा, थर्ड क्वार्टर में कॉस्ट का होगा नेगेटिव, कॉस्ट का नेगेटिव होगा, पी की नेगेटिव साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, नेगेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 पे 0 आ जाएगा, पहले का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट पाई बाय 2 पे 0, कॉस्ट 3 पाई बाय 2 पे 0, कॉस्ट 5 पाई बाय 2 पे 0, कॉस्ट 7 पाई बाय 2 पे 0, कॉस्ट 11 पाई बाय 2 पे 0, कॉस्ट 9 पाई बाय 2 पे 0, कॉस्ट 13 पाई बाय 2 पे 0, हमेशा देखो यहां पे, यहाँ पे 1 पाई है, 1 के बाद 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, 11
इधर माइनस में भरा कितना हो गया यहाँ पे x की वैल्यू आएगी वो 2n plus 1 pi by 2 और जहाँ पे n belongs to z अब चेक करते हैं अपन चेक करते हैं कि एक सेकंड बेटा वॉइस हाँ तो यहाँ पे सर ये कैसे लिखा आपने x की वैल्यू 12 प्लस 1 पाई बाय 2 देखिए इसका मतलब क्या ऑड मल्टीपल होता है जैसे आपके पास सर थ्री क्या आया था पाई बाय 2 आया फिर 3 पाई बाय 2 आया फिर देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे पाई बाय 2 आया अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से मल्टीप्लाई करने पे पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 आया और ये क्या आया आपका पाई बाय 2 आया अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 पाई बाय 2 आएगा 7 से मल्टीप्लाई करो 7 पाई बाय 2 आएगा तो यानी कि ये ऑड मल्टीप्लस है क्या है ये ऑड मल्टीप्लस 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 13 15 ये ऑड का मतलब क्या होता है ऑड से विषम संख्या ऑड का मतलब क्या होता है विषम संख्या तो इनको ऐसे बोलते हैं पाई बाय 2 के ऑड मल्टीप्लस है यानी कि पाई बाय 2 के विषम गुणांक है क्या बात समझ में आ गई क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एक बार यस और नो में कमेंट करेंगे हाँ तो यहाँ पे देखिए अब चेक करते हैं कि वास्तव में यही आ रहा है क्या पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू फाइव पाई बाय टू सेवन पाई बाय टू एन की वैल्यू मान लीजिए आपने जीरो रखी है एन की वैल्यू जीरो रखो इसके अंदर जीरो को टू से मल्टीप्लाई करो जीरो को टू से मल्टीप्लाई जीरो जीरो प्लस वन 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 को पाई बाय टू से पाई बाय टू वैल्यू मान लीजिए बिल्कुल सही बात है कॉस पाई बाय टू जीरो होगा एन की वैल्यू मान लो आपने वन रखी वन रखो टू को वन से मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 1 3 तो 3 को 5 3 का जवाब है एन की वैल्यू मान लो आपने 2 कर दी 2 2 4 4 प्लस 1 5 5 5 का जवाब है एन की वैल्यू ये वैल्यू है 5 बाय 2 3 5 बाय 2 5 5 बाय 2 7 5 बाय 2 9 5 बाय 2 11 5 बाय 2 ठीक है ये वैल्यू आ रही है और अगर मान लो एन की वैल्यू आपने माइनस का वन रखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एन की वैल्यू अगर आपने माइनस का रख दिया तो टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो माइनस का टू प्लस वन सो के लिए कितना आएगा माइनस वन तो साथ ही कितना है फाइव बाई टू कितना आया माइनस का फाइव बाई टू आया तो आपको पता है नेगेटिव में भी अगर एक्स की जगह में यहाँ पे लिखो अगर एक्स की जगह मैंने ऐसे लिख दिया माइनस का फाइव बाई टू आपको पता है कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं होता कॉस में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं होता है कॉस में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं होता है
नेगेटिव क्या बन जाता है पॉजिटिव और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है 0 cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है तो ऐसे ही आप नेगेटिव में भी चलेगा और पॉजिटिव में भी चलेगा अब तीसरा केस आता है इफ x tan x इक्वल टू 0 है तो यहां पे x की वैल्यू n पाई आती है और n log to z यानी कि tan 0 पे 0 होता है tan पाई पे भी 0 होता है tan 2 पाई पे भी 0 होता है tan माइनस का पाई पे भी 0 होगा tan माइनस का 2 पाई पे भी सब पे 0 होता है तो कैसे होता है अभी मैंने आपको एग्जांपल लेने के बताया ऐसे आप tan में भी ले सकते हैं कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं tan 0 की वैल्यू 0 tan 2 pi tan 3 pi tan 4 4 pi tan 5 pi tan 6 pi tan n pi जहां पे n belongs to natural number n belongs to integer number ठीक है हां तो ये सारी बातें आपके समझ में आ गई है आपने अबे यहां पे हम बात करें अपन एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपन आगे चलते हैं ये छह फॉर्मूले आपको याद करना है लर्न करना है देखो एक्सरसाइज नंबर आपकी 3.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है उसकी बात कर लेते हैं अपन आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताना है और जनरल सॉल्यूशन भी बताना है ठीक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य है तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हिंदी में क्या बोलेंगे मुख्य हल के लिए मुख्य ऐसे लिख देंगे मुख्य हल के लिए मुख्य हल के लिए tan x की वैल्यू आपकी क्या है रूट 3 है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब रूट के लिए भी बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसके बाद अपन क्या बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन ठीक है तो आपको पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे tan x की वैल्यू रूट 3 है दो बार लिखेंगे इसको tan x की वैल्यू कितनी है रूट 3 आपको पता है tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से tan 60 की होता है 60 को पाई बाय 3 लिखते हैं 60 का मतलब पाई बाय 3 tan से tan कट जाएगा x की वैल्यू पाई बाय 3 आ गई है यहां पे आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएगी पाई प्लस करना पड़ेगा पाई टू करना पड़ेगा पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत चेंज होता है तो फायदा हो जाएगा आपको चेंज नहीं करना है अब आपको पता है यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्लियर बार है लिखो पाई बाय थ्री समझ में आ गया होगा एक बार यस और नो में कमेंट करेंगे थोड़े से पहले समझाया था ये बात हाँ दोबारा बताओ ये चीज कैसे करेंगे आपको पता है पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत चेंज थीटा की जगह पाई बाय थ्री पाई प्लस कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे थर्ड पे टेन पॉजिटिव होता है ये हो गया है पाई की वैल्यू 60 सॉरी पाई अपॉन थ्री की वैल्यू 60 डिग्री होती है टेन 60 डिग्री होती है तो ये आंसर आ गया है मतलब इससे ये आ रहा है वापस अब आपको पता चल गया टेन एक्स की वैल्यू क्या हो गई इसको सॉल्व करेंगे थ्री एक्स से मारेगा थ्री पाई प्लस का पाई कितना हो जाएगा टेन 4 पाई अपॉन 3 tan x यहां से x की वैल्यू क्या आ गई है 4 पाई अपॉन 3
तो अपन क्या लिखेंगे लास्ट में, हैंस प्रिंसिपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो हो जाएगा आपका, क्या लिखेंगे हिंदी में क्या लिखेंगे, आता है मुख्य हल, आता है मुख्य हल, ठीक है। एक तो x की वैल्यू 5/3 आ गया है, एक 4/3 आ गया, ये एक तो आंसर है। अब बात करेंगे फॉर जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए आपको पता है व्यापक हल tan x की वैल्यू क्या है, √3 है। अब या तो आप ये वाला लेके चल सकते हैं या फिर ये वाला लेके चल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं छोटे वाला लेता हूँ। देखिए आप ये भी लेके चल सकते हो, ये भी, इसका मतलब tan x की वैल्यू मैंने इसको tan pi by 3 लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसलिए लिखा है छोटे वाले से बड़े वाला आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 4π/3 भी लिख दिए, आपको पता है x की वैल्यू 5/3 भी हो सकती है, इस x की वैल्यू 5/3 भी हो सकती है, तो इसी x की वैल्यू 4π/3 भी लिख सकते हैं। छोटे वाले से काम हो जाएगा, बड़े वाले की जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, tan x = tan y होता है, तो वहां पे क्या होता है, x की वैल्यू आती है tan pi प्लस का y और n इक्वल टू z, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो x है यहाँ पे और यहाँ पे y, यहाँ पे x और y की जगह पाई गई थी, यहाँ से अगर बात करें अपन tan x की वैल्यू tan pi by 3 है, लेकिन x की जगह x है, y की जगह pi by 3 आ गया है, अपना आंसर क्या होगा, इस सिस्टम का भी यहां लिख दो x की जगह x n pi, और आपको पता है y की जगह, देखिए ये तो फार्मूला होता है, ये तो अगर ऐसा होता है tan x की वैल्यू tan y है, x की वैल्यू tan pi plus y होता है, n के टर्म्स में आंसर आएगा ना, तो वही तो जनरल सॉल्यूशन होता है। अरे जो n के पद में होता है वही तो व्यापक हल होता है, n के टर्म्स में होता है वही तो जनरल सॉल्यूशन होता है। x = n pi plus तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपका y है वो क्या हो जाएगा pi by 3, और यहाँ पे n belongs to z, n belongs to z, ठीक है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल, और ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब मुख्य हल। देखिए n में n के टर्म्स में आता है, n के पदों में होता है, वो जनरल ही होता है, यानी कि व्यापक ही होता है, वो n के टर्म्स में होता है और प्रिंसिपल सिंगल होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम आउट हो गया।